अगर आप क्रिकेट फैंस हैं और ये न्यूज़ सुनेंगे तो आप खुश नहीं हो पाएंगे। हाँ ठीक ही कह रहे हो, आप खुश नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस साल होने वाला जो T20 वर्ल्ड कप, उस T20 वर्ल्ड कप से BCCI और जो सिलेक्टर रोहित शर्मा कप्तान, ये लोग नहीं चाहता कि विराट कोहली ये T20 वर्ल्ड कप खेले। हाँ, और ये जो BCCI विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करना चाहता है। तो ये बात सुनकर मानो हर एक फैंस शॉक हो रहा है और सब फैंस शॉक हो रहा है। और ये मुझे नहीं लगता है कि इंडियन क्रिकेट के लिए जो वर्ल्ड कप आने वाला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के लिए अच्छा हो गया। हाँ, विराट कोहली जो महान बल्लेबाज है उनको किंग कोहली से पुकारा जाता है। तो ये विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है और बहुत अच्छा खेलता है। जो पिछला T20 वर्ल्ड कप हुआ ना ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था, वहाँ पर हुआ क्या कि जब शुरुआत में ही 3-4 विकेट गिर गया, तब मानो ये विराट कोहली लास्ट तक अंत तक खड़ा रहा और मैच जीता हार्दिक पांड्या के साथ लेकर। और वो जो हरीश रावत को जो मारा ना, ये बहुत वो जो दो छक्का मारा, वो क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे अच्छा शॉट है। हाँ ठीक ही कह रहे हो, क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे अच्छा शॉट है। और उनको ड्रॉप करना चाहता है कि BCCI का जो रीज़न ये है कि जो इस बार T20 वर्ल्ड कप USA वेस्ट इंडीज़ अमेरिका में होने जा रहा है, यहाँ पर पिच बहुत स्लो है, तो स्लो पिच में खेला होंगे, तो जून में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो इसीलिए स्लो पिच में विराट कोहली उतना अच्छा खेल नहीं पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ये BCCI का मानना है। और इसे चलते हुए उनको ये जो BCCI ये ध्यान में नहीं रख रहा है और उनका जो मानना कि विराट कोहली को इस बार मौका नहीं दिया जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। और जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनको विवेचना किया जाएंगे, लेकिन और टेस्ट के लिए विवेचना किया जाएंगे, लेकिन T20 के लिए उनको और आगे विवेचना नहीं किया जाएंगे। अगर ये बात सच हो जाए ना, तो ये क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के लिए तो बहुत मुश्किल, हैरान करने वाला बात है। क्योंकि विराट कोहली आज भी अगर बैट लेकर जाए ना, बल्ला लेकर जाए, तो आज भी वो मैच जिताने का समर्थ रखता है। समर्थ है उनके पास, क्योंकि जो नया बंदा T20 के लिए खेलेंगे वहाँ पर, मानो मुझे लगता है पर्सनली अगर क्लब्स हो जाए तो विराट कोहली जैसे जो महान बल्लेबाज को चाहिए वहाँ पर, एक्सपीरियंस बल्लेबाज को चाहिए जो संभाल सके और पारी। और स्लो पिच में भी विराट कोहली अच्छा खेल सकता है, क्योंकि जो फास्ट पिच में उतना अच्छा खेलता है तो स्लो पिच में क्यों नहीं खेल पाएंगे। तो ये तो मेरा मानना है, लेना चाहिए, नहीं तो बुरा हाल होने वाला है। और अगर BCCI का जो BCCI मानो रोहित कप्तान है, हार्दिक भाईस कप्तान है, और बैटिंग में जयसी जसवाल, तिलक वर्मा, ये जो सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, इन लोगों को मौका देना चाहता है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। शुभमन गिल को मौका देना चाहता है, ये ठीक है, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली रोहित शर्मा के साथ जसवाल अगर बैट करते आए तो 3 नंबर पर विराट कोहली, 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, या 3 रोहित और शुभमन गिल अगर ओपन करता है तो 3 नंबर पर विराट कोहली, 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, या तो कुछ भी हो सकता है। विराट ओपन भी कर सकता है, कराना भी चाहिए, या तो 4 नंबर पर शुभमन गिल को खिलाकर 5 नंबर पर सूर्य कुमार यादव को भी खिला सकता है, लेकिन BCCI ये नहीं चाहता है। और मानो जो जयसी जसवाल, शुभमन गिल, इन लोगों को मौका देने के लिए BCCI चाहता है कि विराट कोहली को रेस्ट देने के लिए और विराट कोहली को बाहर करने के लिए। तो ये कितना अच्छा डिसीजन है ये तो बाद में देखा जाएंगे, लेकिन आप लोगों को क्या मानना है, आप लोगों को क्या राय है, क्या ये ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है जरूर एक लाइक से कमेंट करना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।